ये कहानी है सूरत की, जहां एक नौजवान अमीर कारोबारी का उसी के बेडरूम में कत्ल हो जाता है। जारों कतार रो रही बीवी बताती है कि रात के अंधेरे में घर में घुसाए कुछ लुटेरों ने ही उसके पति का कत्ल किया है। बीवी की सुनाई कहानी का दिल पसीज जाता है, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो कातिल के तौर पर खुद मकतूल की बीवी का चेहरा ही बेनकाब हो जाता है। दरअसल ये है जानलेवा बेवफाई। सूरत के इस मकान में कोहराम मचा है। बात है भी कुछ ऐसी। बीती रात इस घर में घुस आए लुटेरों ने वो किया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इस घर में लूटपाट तो हुई ही, कातिल जाते जाते घर के चिराग यानी जरीवाला परिवार के 24 साल के बेटे दिशित जरीवाला का कत्ल भी कर गए, और वो भी उसकी बीवी और 1.5 साल की मासूम बेटी को बाथरूम में बंद करने के बाद। लिहाजा जरीवाला परिवार सदमे में है। जाहिर है मामला कत्ल का है तो कहानी में पुलिस की एंट्री भी होती है, लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ती है एक ऐसी साजिश से पर्दा हटता है कि क्या पुलिस और क्या जरीवाला परिवार, पूरा सूरत शहर ही चौंक जाता है। पुलिस की माने तो दिशित जरीवाला का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी और जरीवाला परिवार की 22 साल की बहू विल्सी है। जी हाँ, वही विल्सी जरीवाला जिसे महज 3 साल पहले इस परिवार ने बड़े नाजों से अपनी बहू बनाकर घर लाया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विल्सी ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ लिया? क्यों उसने खुद अपने ही माथे का सिंदूर मिटा लिया? तो जब पुलिस इसके पीछे की कहानी और कत्ल का तरीका बताती है तो एक बार लोग फिर से चौंक जाते हैं। तो शुरू से ही ये लग रहा था कि ये जो उसकी जो वाइफ है वो सच नहीं बता रही। पुलिस बताती है कि विल्सी की शादी बेशक दिशित से हुई और उसे 1.5 साल की एक बेटी भी थी, लेकिन विल्सी दिशित से नहीं बल्कि अपने पुराने आशिक सुकेतु से प्यार करती थी, और शादी के पहले का ये प्यार शादी के बाद और भी परवान चढ़ चुका था, और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के होना चाहते थे। इसी के लिए विल्सी ने सुकेतु के साथ मिलकर ये साजिश रची। वारदात 27 जून को हुई जब विल्सी के सास ससुर विदेश गए थे। विल्सी ने अपने आशिक सुकेतु और उसके ड्राइवर को घर बुलाया। दोनों ने रात को गला घोंटकर दिशित का मर्डर किया। विल्सी गोद में 1.5 साल की बेटी को लिए पति का कत्ल देखती रही। अगली रोज सुबह विल्सी ने रोना धोना मचाते हुए ये कहानी सुनाई कि रात के अंधेरे में घर में घुसे लुटेरों ने उसे और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया और पति का कत्ल कर जेवर लूट कर फरार हो गए। लेकिन जब जांच हुई तो पुलिस को विल्सी की बातों पर शक हो गया। ऊपर से घर के दरवाजे पर भी किसी के जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। घर के सामान के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, जबकि लूटपाट में ऐसा होना नामुमकिन था। यहां तक कि वारदात से पहले दो लोग घर के आसपास रेकी करते हुए भी सीसीटीवी में दिखे थे। 4-5 महीने में उन लोगों की इंटीमेसी बढ़ गई, तब इन लोगों ने प्लान किया कि उनको अगर हमेशा के लिए मिलना है तो उनको इसका कुछ करना पड़ेगा। विल्सी ने जो समय दिया कि इतने बजे आई और जो वहां पे सीसीटीवी कैमरा में जो मिला, तो शुरू से ही ये लग रहा था कि ये जो उसकी जो वाइफ है वो सच नहीं बता रही है। अब कहानी साफ थी। पुलिस ने विल्सी, उसके आशिक सुकेतु और ड्राइवर धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन एक बहू की बेवफाई ने जरीवाला परिवार को ऐसा सदमा दिया कि वो इससे शायद ही कभी बाहर निकल पाए। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। सूरत के बाद कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला किया क्योंकि उसे बेवफाई का शक था। पत्नी मोबाइल पर घंटों बातें करती थी और ये बात पति को नागवार गुजरती थी। एक रोज इसी गुस्से में उसने बीवी के मोबाइल फोन से तमाम नंबर डिलीट कर दिए। बस फिर क्या था, मियां बीवी में एक बार फिर भिड़त हुई और ये उनकी आखिरी लड़ाई साबित हुई। तो बेवफाई की एक और कहानी इंदौर की है, जहां पर मियां बीवी के झगड़े में आखिरकार कत्ल अंत में होता है और उसके बाद दोनों मियां बीवी का ये आखिरी झगड़ा साबित होता है। मियां बीवी पर इस बात को लेकर कहा सुनी होती थी क्योंकि बीवी घंटों मोबाइल पर बातें करती थी, पति को यह अच्छा नहीं लगता था और बार बार जब वो इस बारे में पूछता था तो पत्नी इसे टाल देती थी। फिर क्या था, पति ने सारे नंबर डिलीट कर दिए फोन पर और ये पत्नी को नागवार गुजरा। मोबाइल पर बात करती पत्नी, अंदर ही अंदर शक की आग में जलता पति और फिर एक खौफनाक कदम। शक की आग में जल रहे पति की सनक का शिकार हुई महिला अस्पताल में पड़ी है तो पत्नी को चाकू से गोदने वाले पति ने वारदात के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दो बच्चों के सिर से एक झटके में पिता का साया छिन गया। माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही है और घर के आंगन में डरी सहमी बच्ची सदमे की शिकार है। मम्मी को कुछ मारा था? हाँ, चाकू मारा। हत्या की कोशिश के बाद खुदकुशी करने वाला पति नीमच कलेक्टर के भोपाल स्थित बंगले के कुक के पद पर तैनात था। छुट्टी में घर आने के बाद पत्नी के मोबाइल पर बात करने और चैट करने पर उसे शक हुआ। मौका देख पत्नी की मोबाइल को चेक कर उसने कुछ नंबर डिलीट कर दिए। पति की इस हरकत पर बुरी तरह झल्लाई महिला से उसका विवाद हुआ। इसके बाद दोनों बच्चों को घर से भेजकर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटी जब घर लौटकर आई तो पिता को फांसी पर झूलते हुए देखा, जमीन पर खून से सना चाकू देखा और माँ को दर्द से कराहते हुए देखा। मुझे फिर ना बैलेंस लेने के लिए भेज दिया तो मैं दुकान चली गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता। मम्मी को कुछ मारा? हाँ, चाकू मारा। फिर पापा ने क्या किया? पापा ने फांसी पहले चाकू मार दिया था ना। हाँ, तो मम्मी बाहर, मम्मी ने हाँ छुड़ाया, मम्मी ने फिर मम्मी बाहर आई, दरवाजा बंद कर दिया और खुद को फांसी लगा ली। बच्ची बता रही है कि पापा माँ पर शक किया करते थे, वो माँ के मोबाइल पर बात करने के खिलाफ थे। सुबह मोबाइल चेक कर रहे थे मम्मी का तो सब नंबर डिलीट कर दिए, तो मम्मी ने बस चिल्लाया कि मतलब क्यों नंबर डिलीट कर दिए, परिवार के नंबर थे तो क्यों डिलीट कर दिए, बस इतना चिल्लाया। शक करते थे। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अनीता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई है। थाने में सूचना आई कि एक व्यक्ति फांसी लगा लिया और उसने तो यहाँ के पता चला कि उसने पहले अपनी बीवी को चाकू मारा और उसको एमवाई भेज दिया और खुद अंदर चले गया और दरवाजे को लगा के फांसी लगा ली। जी, चरित्र शंका के साथ। शक लाइलाज बीमारी है, अगर एक बार ये किसी को अपनी चपेट में ले ले तो उसका परिणाम बहुत भयावह होता है। इंदौर में भी शायद यही हुआ, एक शक ने हंसता खेलता पूरा परिवार एक झटके में तबाह कर दिया। राहुल करैया, इंदौर आज तक। बेवफाई के किस्से तो बहुत सुने और सुनाए गए, लेकिन ये कहानी जरा हटकर है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेवफा बीवी ने खुद ही अपने शौहर का कत्ल तो किया ही, लेकिन कत्ल से पहले जो साजिश रची उसने पुलिस वालों का दिमाग भी घुमा दिया। उसने अपने शौहर को झांसे में लेकर कत्ल से पहले एक वीडियो शूट करवाया जिसमें शौहर खुद अपनी जुबान से अपने होने वाले कातलों का नाम बता रहा था, लेकिन सितम ये कि ये सारे के सारे नाम गलत थे।
धीरज चौधरी, सनोप श्री जगवीर चौधरी, लोट नंबर 7, महाराजा सूरज मीनिंग कॉलोनी। ये एक मकतूल की आखिरी गवाही है, एक ऐसी गवाही जिसमें अपने कत्ल से पहले वो खुद ही अपने कातिलों का नाम बता रहा है, और न सिर्फ नाम बता रहा है बल्कि कत्ल की वजह भी बता रहा है। और मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ। इत्तेफाक से इसके कुछ ही रोज बाद उसका कत्ल हो जाता है। दफ्तर में धावा बोलकर गुंडे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इसी के साथ उसकी जान चली जाती है। ये दर्दनाक कहानी है गाजियाबाद के फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर धीरज की, जिसे अपनी मौत का अंदेशा पहले ही हो गया था, और शायद इसी वजह से उसने अपना ही एक वीडियो शूट कर कातिलों के नाम पहले ही बता दिए थे। अगर इस वीडियो पर जाएं तो कत्ल का ये मामला बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, जिसमें पुलिस को सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करने की देर थी जिनका नाम धीरज ने अपने आखिरी वीडियो बयान में लिया था। लेकिन पुलिस ने वीडियो पर आंख मूंद कर यकीन करने से पहले इस मामले की तस्दीक करने का फैसला किया, और जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी पुलिस को धीरज की पत्नी प्रीति के व्यवहार पर शक होने लगा। ये प्रीति ही थी जिसने पुलिस को धीरज के मोबाइल फोन में रिकॉर्डेड वो बयान दिया था जिसमें उसने अपने कत्ल की आशंका जताई थी और कई लोगों के नाम लिए थे। प्रीति लगातार उन लोगों को गिरफ्तार करने पर जोर डाल रही थी। प्रीति के रवैये पर पुलिस को शक तो था ही, इसी बीच उसे पता चला कि उसकी अपने देवर वरुण के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी है। पुलिस को पता चला कि जब कुछ वक्त पहले प्रीति का पति धीरज जेल गया था तो प्रीति के अपने देवर वरुण से रिश्ते बन गए थे, और इसी के साथ प्रीति और धीरज के रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगी थी। अब पुलिस वरुण को भी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पूछताछ के दौरान प्रीति और वरुण ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर लिया बल्कि कत्ल की एक ऐसी साजिश से भी पर्दा हटाया कि सभी चौंक गए। ये दरअसल प्रीति और वरुण ही थे जिन्होंने अपने एक जानकार जयवीर के साथ मिलकर इस कत्ल की साजिश रची थी। प्रीति और वरुण आपस में शादी करना चाहते थे और जयवीर के साथ मिलकर तीनों ने धीरज की प्रॉपर्टी का बंदरबांट करने की तैयारी की थी, और इसी के लिए उन्होंने न सिर्फ धीरज के कत्ल की साजिश रची बल्कि अपने ऊपर से शक हटाने के लिए प्रीति ने ही एक रोज धीरज को शराब पिलाई और उसका ये वीडियो शूट करवा लिया। ये लगातार उनके वरुण के टच में थी और किसी से नहीं, वरुण से घटना के पहले से और जब से प्लानिंग बन रही थी इनके। जैसा मैंने आपको बताया था 22 तारीख को भी इन्होंने प्रयास किया था, 22 तारीख को भी लगभग शाम के टाइम इन्होंने प्रयास किया। चूंकि उस टाइम जब ये पहुंचे इनको सूचना थी कि अकेला बैठा है, पर वहां जब गए तो कई लोग मौजूद मिले तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उसके बाद 26 को फिर इस सूचना मिलने पर आए तो लगातार टच में थे, इनके फोन पर वार्ता है और मैसेज के द्वारा भी टच में। धीरज फाइनेंसर तो था ही, रुपए पैसों को लेकर उसकी कई लोगों से दुश्मनी भी थी, और कातिलों की इस तिकड़ी ने उसकी इसी दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की। बहरहाल अब कातिल सलाखों के पीछे है और इसी के साथ सामने है एक जानलेवा बेवफाई की खौफनाक कहानी। मयंक गौड़ के साथ हिमांशु मिश्र, गाजियाबाद आज तक। अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।